स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट अदर टू सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. लेट्स लेक्चर स्टार्ट. बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला जो होता है वो NaSCO3 होता है, जिससे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं. बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला NaSCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं. अब हम बात करते हैं इसके, अगर मैन्युफैक्चर की बात करते हैं या इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो बेकिंग सोडा साल्वे प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं. सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा हम सॉल्वे प्रोसेस को अमोनिया सोडा प्रोसेस के नाम से भी हम जानते हैं. क्या होता है इस प्रोसेस में? ब्राइन जो होते हैं, ब्राइन आप समझते ही हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं. तो जब ब्राइन का हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वहाँ हमें बेकिंग सोडा हमें फॉर्म होता है और प्रोडक्ट में एक और साल्ट हमारा बनता है, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं. ठीक है, तो अगेन फिर से इस रिएक्शन को समझ लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आपका पूछा जाता है. तो बेकिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ब्राइन होता है, ब्राइन समझ लीजिए, कंफ्यूज रहेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, इसी का एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि सोडियम क्लोराइड को हम किस में मिक्स कर दें? वाटर में. तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स कर दें, तो जो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं. अब इस ब्राइन का हम रिएक्ट कराते हैं किसके किसके साथ? अमोनिया. और किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. तो जब ब्राइन का अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो प्रोडक्ट में हमें अमोनियम क्लोराइड एक ये हमें फॉर्म होता है, और दूसरा हमारा मिल जाता है बेकिंग सोडा NaSCO3. ठीक है, ये हमें मिल जाता. तो ये रिमाइंड कर लीजिएगा. अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के प्रॉपर्टीज की. तो इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. एयर में ये स्टेबल होते हैं. वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं. स्प्रिंगली मतलब ये कभी कभी सॉल्युबल होते हैं, और इस वजह से ये एल्कालाइन नेचर के होते हैं. ये सॉल्ट मतलब कि बेकिंग सोडा का जो अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं, तो जो उसका एक्वस सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि वो एल्कालाइन नेचर का होता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड फॉर्म होते हैं. ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो स्ट्रांग बेस है, और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है. और वीक एसिड आपको पता है कि वीक एसिड और स्ट्रांग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो बेसिक नेचर का सॉल्ट फॉर्म होता है. तो ये सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट में स्ट्रांग बेस और वीक एसिड बना रहा है. मीन्स ये शो कर रहा है कि इसका नेचर जो है वो बेसिक नेचर का है. अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें फॉर्म होता है. ये जो स्टेप है, ये भी बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी आएगा आगे, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. एक्शन ऑफ एसिड की अगर बात करते हैं, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, आप देखिए आपके एसिड का जब आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपका आया है कि जब मेटल कार्बोनेट होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं, जब ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका CO2 तो फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ वाटर और आपका सॉल्ट. तो वही रिएक्शन है यहाँ पे, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है.
अब अगर यूजेज की बात करते हैं इसका, तो ये फायर इंस्टीग्यूशन में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि फायर इंस्टीग्यूशन जो होता है, आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है ना, उसी में इसका यूज होता है। क्यों? उसमें वहाँ पे आपका एसिड डाला जाता है, एसिड रहता है H2SO4, और नीचे यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला जाता है NaSCO3। जब हम सिलेंडर के नॉब को जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये H2SO4 आ करके नीचे की तरफ रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। और आपको पता है ये एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? CO2। तो उसी सिलेंडर से जब CO2 बाहर आता है तो गैस आग बुझाता है, सॉरी गैस बुझाने की बात कर रहे हैं, आग बुझाता है। क्योंकि CO2 की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आग बुझाने की होती है। H2 जो होता है ये आग के साथ बहुत तेज़ी से जलता है, पॉप साउंड के साथ जलता है, और O2 जो होती है ये आग को और आगे जलाने के लिए होती है, ठीक है। तो ये तीनों गैसों की कैरेक्टरिस्टिक बार बार आप ये रिमाइंड कर लीजिएगा, बार बार आपको ये कैरेक्टरिस्टिक आपको आगे मिलते रहेंगे। CO2 ये आग को बुझाता है, H2 आग को और तेज़ी से भड़काने का काम, मतलब पॉप साउंड निकलता है, भड़कने वाला काम करता है। O2 जो होता है ये आग को बहुत ये जलाने के लिए काम आता है। अब हम बात करते हैं कि एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, ये फूड और ड्रिंक्स में ये मिक्स किए जाते हैं। बेकिंग सोडा जो होते हैं ये बेकिंग पाउडर जो आपने नाम सुना होगा, बेकिंग पाउडर में आपका मिला होता है बेकिंग सोडा प्लस आपका एसिड उसमें मिक्स होता है। और कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो आते हैं उसमें बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिले होते हैं, इसलिए मिले होते हैं। टार्टरिक एसिड क्यों मिक्स किया जाता है बेकिंग सोडा में? देखिए, बेकिंग पाउडर जो होते हैं, जो डो वगैरह होते हैं, कोई चीज़ उस तरह की फ्लफी वगैरह बनाया जाता है, अक्सर आपने देखा होगा घरों में ऐसे भी फूड मेक किए जाते हैं जहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, केक वगैरह के बनाने में, किसी चीज़ को अगर डो आटे वगैरह को फ्लफी बनाने ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है तो वहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि आटो वगैरह में, जो मैदे वगैरह में कोई चीज़ अगर हमें बनानी है उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो वो कैसे फ्लफी हो जाता है, कैसे सॉफ्ट हो जाता है बेकिंग पाउडर को मिलाने से, तो उसके पीछे देखिए कि जब हम बेकिंग पाउडर को किसी उसमें मिलाते हैं, डो में मिलाते हैं, तो वो सॉफ्ट कैसे हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि बेकिंग पाउडर में जो हमारा बेकिंग सोडा मिक्स होता है ये हीट हो जाता है, ठीक है। हीट होने के बाद ये फॉर्म करता है क्या? CO2 फॉर्म करता है। आपने यहीं पे रिएक्शन देखा होगा ना कि इसे जब हम हीट करते हैं तो CO2 फॉर्म होता है, और CO2 के फॉर्म होने के नाते जो डो होता है वो फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें टार्टरिक एसिड का क्या काम होता है? टार्टरिक एसिड का काम ये होता है कि ये जो डो वगैरह होते हैं, आटे वगैरह होते हैं, उनका जो टेस्ट हो वो ज़्यादा बीटर ना हो, मतलब कि वो ज़्यादा बेसिक नेचर के ना, बीटर ना हो, इस वजह से टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है और कि वह उसका टेस्ट जो हो वो बीटर ना हो। और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है CO2 फॉर्म होता है, और CO2 जो होता है वही हमारे डो वगैरह को फ्लफी और सॉफ्ट बनाता है। अब हम बात करते हैं इन मेडिसिन एंटी एसिड, ये मेडिसिन में एंटी एसिड का काम कैसे करते हैं। जब भी हमको स्पाइसी मसाला, जो मसाले वगैरह हम ज़्यादा कभी तीखा वगैरह खा लेते हैं, तो हम लोगों के स्टमक में ज़्यादा एसिड जो होती है वो एक्सेज हो जाती है, ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है हमारे स्टमक में। तो उस एसिड का जो अमाउंट हमारे स्टमक में ज़्यादा एक्सेज हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आपको पता है एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो जब हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाता है, हमारा स्टमक जब ज़्यादा एसिडिक मीडियम का हो जाता है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा दवा या मेडिसिन लेना होगा कि जो बेसिक
होगा। तो इसी वजह से कभी कभी होता है कि एसिडिक होने के नाते बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो जब वो हमारे स्टमक में जाता है बेकिंग सोडा, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके स्टमक को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। इनो में इसी इनो वगैरह लोग यूज करते हैं, तो इनो में आपका ऑलरेडी ये मिक्स्ड होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा जो एंटी एसिड, एंटी का मतलब कि एसिड के अगेंस्ट, मतलब इसके विरोध में क्या करता है, ये काम करता है।